इस वक्त पूरी दुनिया में भारत को मिले लिथियम भंडार की चर्चा है। भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहली बार 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला है। भारत को मिले अरबों के खजाने से अब पाकिस्तान में अलग ही बेचैनी मच गई है। ये खबर सुनते ही पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान इतना बौखला गया कि अब वहां के आतंकी संगठन भारत के लिथियम भंडार पर हमला करना चाहते हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन से चल रहे एक दूसरे आतंकी संगठन ने भारत को धमकी दी है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने एक धमकी भरा पत्र जारी किया है। आतंकी संगठन ने कहा है कि वो किसी भी परिस्थिति में भारत को लिथियम के ये भंडार नहीं लेने देगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि भूख से मर रहे पाकिस्तान में भारत का ये खजाना देख कैसा भूचाल आया है। सोशल मीडिया पर तो पाकिस्तान की जनता बोल रही है कि हम भूख से मर रहे हैं और भारत का जैकपॉट लग गया है। वैसे सोशल मीडिया पर एक और चर्चा है कि भारत को लिथियम का ये भंडार माता वैष्णो देवी के बेहद पास मिला है। लिथियम का ये भंडार रियासी जिले के सलाल हेमना गांव के पास मिला है, जो माता वैष्णो देवी से ज्यादा दूर नहीं है। लोगों का कहना है कि ये कितना जबरदस्त संयोग है। आपको बता दें कि लिथियम का ये खजाना इतना बड़ा है कि ये भारत की तकदीर बदलने की क्षमता रखता है। भारत अब दुनिया में वो दर्जा हासिल कर सकता है जो अभी तक चीन का था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम गेम चेंजर साबित होगा। एक बार जब लिथियम निकलना शुरू हो जाएगा तो देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की किस्मत भी पलट जाएगी। कई मेगा प्रोजेक्ट्स आएंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार का मौका भी मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि इस लिथियम भंडार की खोज के साथ ही भारत टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लिथियम का भंडार 98 मिलियन टन के करीब है। इसमें से अब 5.5% भारत को मिला है। यूएस के बड़े बड़े देश हैरान हो गए हैं। इतना ही नहीं, भारत के हाथ इस खजाने के लगने के साथ ही अमेरिका ने अपने एक बड़े अधिकारी को भारत दौरे पर भेज दिया है। आपको बताएं तो भारत को जम्मू और कश्मीर में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का ये खजाना कैसे भारत की तस्वीर बदल सकता है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत में लिथियम के इस भंडार से पाकिस्तान चीन के साथ अमेरिका तक क्यों हैरान है। माना जा रहा है कि भारत में लिथियम मिलने से भारत में इलेक्ट्रिक सामानों के उत्पादन में न केवल इजाफा होगा बल्कि आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रिक सामानों के उत्पादन में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। आपको बताएं तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सेना से लेकर बड़े बड़े उपकरणों का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है और आने वाले समय में भारत एक उपभोक्ता बाजार के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भी उभरेगा। जम्मू और कश्मीर में मिले लिथियम की गुणवत्ता को लेकर भी विशेषज्ञों के द्वारा बड़ा दावा किया गया है। बता दें कि सामान्य श्रेणी में लिथियम का ग्रेड 220 पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम का होता है, जबकि जम्मू कश्मीर में मिले भंडार का लिथियम 550 पीपीएम से अधिक ग्रेड का है। ये भंडार करीब 59 लाख टन का है, जो लिथियम की उपलब्धता के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। जानकारों का मानना है कि भारत इस खोज के साथ उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास लिथियम है। ये सब कुछ पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम से संभव हो पाया है। भारत ने कश्मीर में अब से कुछ ही साल पहले धारा 370 को खत्म किया था और तब से ही कश्मीर में विकास की नई नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। कश्मीर में लिथियम का मिलना भी उन्हीं परियोजनाओं का हिस्सा है। लिथियम मिलने से आसपास के गाँव में रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही देश को भी इससे बड़ा फायदा होने वाला है। आपको बताएं तो इलेक्ट्रिक सामानों के बड़े बड़े उत्पादक देश दुनिया में उन देशों की तलाश लगातार करते रहते हैं जहां लिथियम के भंडार हैं। अमेरिका भी बीते कुछ सालों में इलेक्ट्रिक सामानों को लेकर चीन से अपनी निर्भरता कम करने के लिए ऐसे देशों की तलाश कर रहा है जिनके पास लिथियम के भंडार हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिका के ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के सेक्रेटरी अचानक भारत दौरे पर आए हैं। आपको बताएं तो लिथियम का प्रयोग कई तरह की बैटरियों समेत कई और अन्य इलेक्ट्रिक गुड्स के उत्पादन में किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। हार्ट पेसमेकर, खिलौनों और घड़ियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। लिथियम की मदद से कुछ दवाएं भी बनाई